हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का सेकंड वीक, और अभी तक मेरे डहलिया के प्लांट्स जो कि मैंने नीचे क्यारी में लगाए, ज़मीन में लगाए हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो प्लांट डहलिया के मैंने पॉट में लगाए थे और ऊपर छत पे रखे थे, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही ख़राब हो गए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि डहलिया के सीड्स हम कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट सीज़न के लिए डहलिया के सीड्स सेव करना चाहते हैं, या उनको सीड से ग्रो, बीज से ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको कैसे सेव करें। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन घंटे का निशान दिखता है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये मेरे डहलिया के प्लांट्स हैं, जो छोटा वाला डहलिया है उसके प्लांट्स हैं ये। ठीक है, ये फ्लावर खिलने के बाद जब वो पॉलिनेट हो जाएगा तो इस तरह के सीड पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब इसका फ्लावर एक दो दिन पहले ही पत्तियाँ वगैरह झड़ी हैं, और इस तरह के सीड्स पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें से हम सीड्स निकाल सकते हैं। मैं आपको अपने दूसरे पौधे पे दिखाता हूँ, ये पीले कलर का डेलिया का इसमें फूल खिला था, ये सीड पॉट बना है, ये इसकी नेक्स्ट स्टेज हो गई। इस तरह थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली इस तरह का बिल्कुल सूख जाएगा ये सीड पॉट, जब पूरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें से निकाल सकते हैं। मैं एक दो दिन और दूंगा इसको कम्प्लीटली पूरी तरह से सूख जाने के लिए। जो फूल मैंने आपको पहले दिखाया था वो थोड़ा मुरझाने लग गया है और एक नया फूल इसमें खिल गया है। अभी जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये पूरी तरह से सूख चुका है, मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ये इसका वो बॉल है, तो हम इसको बस ये जो आप देख रहे हैं ये सीड है, तो हम सारे इसके सीड कलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। तो ये डहलिया के सीड्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, एक ही सीड पॉट में से काफ़ी सारे सीड्स मेरे को मिल गए हैं, तो अब मैं इनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकता हूँ। तो आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कोई भी कमेंट्स हो आपका प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।